नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौ पेशी एकेडमी से। दोस्तों आज हम भारत के परिवहन में देखने जा रहे हैं रेल परिवहन, और रेल परिवहन में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भारत में रेलवे का विकास। तो चलिए दोस्तों रेल परिवहन में पहला टॉपिक प्रारंभ करते हैं, भारत में रेलवे का विकास। ये है दोस्तों भारत का मैप, ये है दोस्तों हमारा देश भारत, ये है दोस्तों हमारा देश भारत। भारत में रेलवे का विकास हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, भारत में रेलवे का विकास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, ये आपका है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में ये है आपका दोस्तों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ये है दोस्तों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेल परिवहन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों रेल परिवहन, भारत में रेल परिवहन, भारतीय रेल परिवहन। फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों भारत में रेल परिवहन या भारतीय रेल परिवहन। इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों भारत में रेलवे का विकास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसके अंतर्गत हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में रेलवे का विकास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों भारत में रेलवे का विकास, भारत में रेलवे का विकास। देखिएगा भारत में रेलवे का विकास, देखिएगा दोस्तों सबसे पहला ट्रेन, भारत में सबसे पहला यात्री ट्रेन चलाया गया था मुंबई से लेकर दोस्तों ठाणे तक। ये है दोस्तों मुंबई, ये पकड़ना है मुंबई। भारत में पहला यात्री ट्रेन चलाया गया था मुंबई से लेकर ठाणे तक, मुंबई से लेकर ठाणे तक। भारत में पहला यात्री ट्रेन चलाया गया था मुंबई से लेकर ठाणे तक, 34 किलोमीटर मुंबई से लेकर ठाणे तक। भारत का पहला यात्री ट्रेन चलाया गया था 16 अप्रैल 1853। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों भारत का पहला यात्री ट्रेन चलाया गया था 16 अप्रैल 1853। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी, और इसमें डब्बों की कुल संख्या थी दोस्तों 14। यहां पर मुंबई से ठाणे तक की दूरी तय की गई थी 34 किलोमीटर, डब्बों की संख्या थी 14 और इसमें कुल यात्री बैठे थे 400 यात्री बैठे थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ये जो ट्रेन थी दोस्तों यह भाप से चलने वाली ट्रेन थी, अर्थात ध्यान दीजिएगा दोस्तों 16 अप्रैल 1853 भारत का पहला यात्री ट्रेन, भारत का पहला यात्री ट्रेन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों भारत का पहला यात्री ट्रेन, भारत का पहला यात्री ट्रेन यह चला था दोस्तों मुंबई से लेकर ठाणे तक। भारत का पहला यात्री ट्रेन यह चला था दोस्तों मुंबई से लेकर ठाणे तक। ध्यान दीजिएगा इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों भारत का पहला यात्री ट्रेन चला है मुंबई से लेकर ठाणे तक, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये जो ट्रेन चला है दोस्तों यह मुंबई से लेकर ठाणे के बीच चला है, मुंबई से ठाणे के बीच। भारत का पहला यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चला है, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी।
यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यह मुंबई अर्थात वर्तमान में यह जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, अर्थात वर्तमान दृष्टिकोण में छत्रपति शिवाजी, वर्तमान दृष्टिकोण में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इस उस समय इसको कहा जाता था बोरी बंदर स्टेशन, बोरी बंदर स्टेशन, बोरी बंदर स्टेशन, बोरी बंदर स्टेशन मुंबई से, बोरी बंदर स्टेशन मुंबई से यह चला है दोस्तों ठाणे तक, उस समय से कहा जाता था बोरी बंदर स्टेशन। आज इसका नाम है दोस्तों मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, अर्थात बोरी बंदर स्टेशन मुंबई से ठाणे के बीच चला था। इनके बीच की कुल दूरी थी 34 किलोमीटर, अर्थात पहला यात्री ट्रेन जो चला था 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे अर्थात छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या बोरी बंदर स्टेशन मुंबई से ठाणे के बीच, इसकी दूरी थी दोस्तों 34 किलोमीटर, और यहां पर यात्रियों की कुल संख्या थी 400। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल यात्री थे 400, इसमें डिब्बों की संख्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस ट्रेन में डिब्बों की संख्या थी, इस ट्रेन में डिब्बों की संख्या थी कुल 14, और इंजन का जो प्रकार था, इंजन का जो प्रकार था ट्रेन में ये था दोस्तों भाप से चलने वाला इंजन, ये था दोस्तों भाप का इंजन। तो इस प्रकार से भारत का पहला ट्रेन ये चला है, भारत का पहला यात्री ट्रेन चला है 16 अप्रैल 1853 में। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। ये ट्रेन चला था दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच, अर्थात वर्तमान दृष्टिकोण में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या बोरी बंदर स्टेशन मुंबई से ठाणे के बीच। इनके बीच की दूरी थी 34 किलोमीटर, यात्रियों की संख्या थी 400, डिब्बों की संख्या थी 14, और यह भाप से चलने वाला इंजन था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में ही चला दोस्तों, मुंबई से मुंबई में चला, अर्थात मुंबई में यह चला है दोस्तों विक्टोरिया, विक्टोरिया टर्मिनल या विक्टोरिया स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनल से दोस्तों यह कुर्ला के बीच चला है। ध्यान दीजिएगा मुंबई में ही भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन, मुंबई में ही भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों मुंबई में ही भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन चला है 3 फरवरी 1925 भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन या विद्युत ट्रेन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन या विद्युत ट्रेन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन या विद्युत ट्रेन चला है दोस्तों 3 फरवरी 1925 मुंबई में ही, मुंबई में चला है दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर कुर्ला तक। यह मुंबई में चला है दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर यह चला है दोस्तों कुर्ला के बीच, विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर चला है दोस्तों ये कुर्ला के बीच। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग, इस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड रीडिंग, भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। ध्यान दीजिएगा भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन या भारत का पहला विद्युत ट्रेन ये चला है 3 फरवरी 1925 ये चला है दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर कुर्ला तक। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग 3 फरवरी 1925। लेकिन लंबी दूरी का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन, लंबी दूरी का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन चला था मुंबई से लेकर पुणे तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों लंबी दूरी का पहला, ध्यान दीजिएगा लंबी दूरी का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन चला था मुंबई से लेकर पुणे तक। ध्यान दीजिएगा अर्थात ये डिस्टेंस ट्रेवल किया था दोस्तों, लंबी दूरी का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन ये चला है दोस्तों आपका, लंबी दूरी का पहला ट्रेन ये चला है दोस्तों मुंबई से लेकर पुणे तक 1 जून 1930 को लंबी दूरी का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन जिसका नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों जिसका नाम है डेक्कन क्वीन, जिसका नाम है दोस्तों डेक्कन क्वीन,
या कह सकते हैं दक्कन की रानी, दक्कन की रानी। भारत का लंबी दूरी का पहला विद्युत ट्रेन यह है दोस्तों डेक्कन क्वीन या दक्कन की रानी। यह चला था दोस्तों 1 जून 1930 को मुंबई से लेकर पुणे के बीच। अर्थात यह ट्रेन चला है दोस्त, यह है लंबी दूरी का, यह है दोस्तों आपका लंबी दूरी का पहला, लंबी दूरी का, भारत का लंबी दूरी का पहला विद्युत ट्रेन, लंबी दूरी का पहला विद्युत ट्रेन चला है दोस्तों 1 जून 1930 को, जिसका नाम है डेक्कन क्वीन, दक्कन की रानी, लंबी दूरी का पहला विद्युत ट्रेन। यह चला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुंबई से लेकर पुणे के बीच, मुंबई से पुणे के बीच, मुंबई से पुणे के बीच यह चला है दोस्तों, मुंबई से पुणे के बीच। और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। चलिए दिमाग में बैठाइएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला 16 अप्रैल 1853 भारत का पहला यात्री ट्रेन चला है मुंबई से ठाणे, अर्थात छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बोरी बंदर स्टेशन मुंबई से लेकर आपके ठाणे तक, इसके बीच की दूरी तय किया था इसने 34 किलोमीटर, यात्रियों की संख्या थी 400, डिब्बों की संख्या थी 14, यह भाप से चलने वाला इंजन था दोस्तों, यह भाप का इंजन था। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। भारत का पहला विद्युत ट्रेन चला है 3 फरवरी 1925 को मुंबई में ही विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर कुर्ला तक, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। लेकिन लंबी दूरी का पहला विद्युत ट्रेन जिसे कहा जाता है डेक्कन क्वीन या दक्कन की रानी, 1 जून 1930 यह चला है दोस्तों मुंबई से लेकर पुणे तक, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इसके बाद देखते हैं वर्तमान में भारत में भारतीय रेलवे को बांटा गया है 18 जोन में। भारत का पहला रेलवे जोन है दोस्तों चेन्नई, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला रेलवे जोन है चेन्नई, यह दोस्तों भारत का पहला रेलवे जोन। 14 अप्रैल 1951 को भारत का पहला रेलवे जोन बना दोस्तों दक्षिण रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे जोन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दक्षिण रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे जोन, भारत का पहला रेलवे जोन बना है दोस्तों 14 अप्रैल 1951 को दक्षिण रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे जोन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दक्षिण रेलवे जोन। भारत का पहला रेलवे जोन बना है दोस्तों चेन्नई में है इसका मुख्यालय, 14 अप्रैल 1951 को दक्षिण रेलवे जोन, साउथ रेलवे जोन, साउथ रेलवे जोन, यह है भारत का पहला रेलवे जोन, यह है दोस्तों भारत का पहला रेलवे जोन, यह है दोस्तों भारत का पहला रेलवे जोन, जिसकी स्थापना हुई है 14 अप्रैल 1951 को। वर्तमान भारत में कुल 18 रेलवे जोन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पकड़ते हैं, यह आपका है कोलकाता मेट्रो, ये पकड़ना है दोस्तों कोलकाता, कोलकाता में है आपका कोलकाता मेट्रो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोलकाता में स्थित है कोलकाता मेट्रो, कोलकाता में स्थित है दोस्तों कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोलकाता में स्थित है कोलकाता मेट्रो। भारत का पहला मेट्रो यह है दोस्तों कोलकाता मेट्रो, भारत का पहला मेट्रो एस्टेब्लिश हुआ दोस्तों कोलकाता मेट्रो, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1984 को भारत का पहला मेट्रो एस्टैब्लिश हुआ कोलकाता मेट्रो, भारत का पहला मेट्रो एस्टैब्लिश हुआ 24 अक्टूबर 1984 को, भारत का पहला मेट्रो कोलकाता मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को। यह चला था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोलकाता के अंतर्गत यह चला है दोस्तों एस्प्लानेड से लेकर भवानीपुर तक, यह है दोस्तों एस्प्लानेड, एस्प्लानेड से चला था ये दोस्तों भवानीपुर तक,
भवानीपुर तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है कोलकाता। कोलकाता के अंदर दो जगह, दो रेलवे स्टेशन पकड़ना है। पहला रेलवे स्टेशन का नाम है एस्प्लानेड, दूसरा रेलवे स्टेशन का नाम है दोस्तों भवानीपुर। कोलकाता मेट्रो जिसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1984, ये है दोस्तों भारत का पहला मेट्रो, भारत का पहला मेट्रो रेलवे, भारत का पहला मेट्रो रेलवे है दोस्तों। ये चला था कोलकाता मेट्रो है दोस्तों, ये चला था आपका कोलकाता के अंदर एस्प्लानेड रेलवे स्टेशन से लेकर भवानीपुर रेलवे स्टेशन के बीच 24 अक्टूबर 1984 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि कोलकाता मेट्रो ही भारत का पहला भूमिगत रेलवे है, अंडरग्राउंड रेलवे है दोस्तों। कोलकाता मेट्रो के ही बारे में ध्यान रखना है कि कोलकाता मेट्रो ही भारत का पहला भूमिगत रेलवे है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोलकाता मेट्रो इसकी स्थापना हुई है, ध्यान दीजिएगा इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 24 सितंबर 2010 कोलकाता मेट्रो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 24 सितंबर 2010 कोलकाता मेट्रो 24 सितंबर 2010 से यह भारत का पहला भूमिगत रेलवे है दोस्तों। भारत का पहला भूमिगत या कह सकते हैं अंडरग्राउंड, भूमिगत या अंडरग्राउंड रेलवे है दोस्तों। ये भारत का पहला भूमिगत या अंडरग्राउंड रेलवे है कोलकाता मेट्रो, 24 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत का सबसे फास्ट ट्रेन, करने जा रहे हैं दोस्तों भारत की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन, भारत की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन चलाया गया है 24 नवंबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन चलाया गया है 24 नवंबर 1988 को। इस समय भारत के रेल मंत्री थे माधवराव सिंधिया। ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती में अर्थात 14 नवंबर 1988 को भारत का पहला तेज रफ्तार ट्रेन चलाया गया दिल्ली से लेकर दोस्तों मध्य प्रदेश के झांसी तक। यह है मध्य प्रदेश का झांसी, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के झांसी तक भारत का पहला तेज रफ्तार ट्रेन चलाया गया था 14 नवंबर 1988 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में, उनकी जयंती में 14 नवंबर 1988 को भारत का सबसे तेज रफ्तार ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस चलाया गया। तो यह है भारत का पहला तेज रफ्तार ट्रेन, यह है दोस्तों भारत का पहला तेज रफ्तार ट्रेन, भारत का पहला तेज रफ्तार ट्रेन, तेज रफ्तार ट्रेन, भारत का पहला तेज रफ्तार ट्रेन चलाया गया था 14 नवंबर 1988 को शताब्दी एक्सप्रेस, यह भारत का पहला तेज रफ्तार ट्रेन। इसकी अधिकतम गति है दोस्तों, इसकी अधिकतम गति है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी अधिकतम गति है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तात्कालिक रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती के उपलक्ष में 14 नवंबर 1988 को शताब्दी एक्सप्रेस अर्थात भारत का पहला तेज रफ्तार ट्रेन दिल्ली से झांसी के मध्य चलाया था। यह चला है दोस्तों दिल्ली से झांसी के मध्य ये चलाया गया था दोस्तों दिल्ली से झांसी के बाद। लेकिन वर्तमान भारत का सबसे तेज रफ्तार ट्रेन ये चलाया गया गतिमान एक्सप्रेस, ये चलाया गया दोस्तों दिल्ली से लेकर आगरा के बीच। लेकिन वर्तमान में गतिमान एक्सप्रेस भी चलता है दोस्तों दिल्ली से झांसी के बीच। वर्तमान भारत का सबसे तेज रफ्तार ट्रेन ये चलाया गया है दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को, जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का वर्तमान भारत का सबसे तेज रफ्तार ट्रेन
ये है दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस, भारत का पहला तेज रफ्तार ट्रेन। लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे तेज रफ्तार ट्रेन, सबसे तेज रफ्तार ट्रेन यह है दोस्तों, सबसे तेज रफ्तार ट्रेन यह आपका है गतिमान एक्सप्रेस। यह चलाया गया है 5 अप्रैल 2016 को। इसकी अधिकतम चाल या अधिकतम गति है दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटा। शताब्दी एक्सप्रेस से महज 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। इसे सबसे पहले चलाया गया था दोस्तों दिल्ली से लेकर आगरा के बीच। लेकिन वर्तमान में यह भी चलता है दोस्तों दिल्ली से लेकर झांसी तक। लेकिन इसे प्रारंभ में चलाया गया था 5 अप्रैल 2016 की स्थिति में, इसे चलाया गया था दोस्तों दिल्ली से लेकर आगरा तक। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों गतिमान एक्सप्रेस, वर्तमान में भारत का सबसे तेज रफ्तार ट्रेन 5 अप्रैल 2016। जबकि भारत का सबसे तेज रफ्तार ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, इसे चलाया गया था 14 नवंबर 1988 को। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत में रेलवे का विकास। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला ट्रेन चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच, अर्थात छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या बोरी बंदर स्टेशन मुंबई से लेकर ठाणे के बीच। 16 अप्रैल 1853 को भारत का पहला यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। इसमें डब्बों की कुल संख्या थी 14, इसमें यात्रियों की संख्या थी 400 और कुल दूरी इसने तय किया 34 किलोमीटर। यह भाप से चलने वाला एक इंजन था। भारत वायसराय थे दोस्तों इस समय लॉर्ड डलहौजी। भारत का पहला विद्युत ट्रेन चलाया गया था 3 फरवरी 1925 को। यह दोस्तों मुंबई में चला था विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर कुर्ला तक। ध्यान दीजिएगा, विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर कुर्ला तक भारत का पहला विद्युत या इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चलाया गया था। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। इसके बाद भारत का पहला लंबी दूरी का विद्युत ट्रेन चलाया गया था 1 जून 1930 को, जिसका नाम है डेक्कन क्वीन, यह दक्कन की रानी। इस समय भारत के वायसराय थे आपके लॉर्ड इरविन। इसे चलाया गया था मुंबई से लेकर पुणे तक। भारत का पहला रेलवे जोन है दोस्तों दक्षिण रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है आपका चेन्नई। इसकी स्थापना हुई है 14 अप्रैल 1951 को। वर्तमान भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। इसके बाद देखते हैं भारत का पहला मेट्रो है कोलकाता मेट्रो, इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1984 को। यह है दोस्तों भारत का पहला मेट्रो। ये चला था दोस्तों कोलकाता में ही एस्प्लानेड रेलवे स्टेशन से लेकर भवानीपुर तक। और कोलकाता मेट्रो की खास बात ये है दोस्तों, ये साथ ही साथ है भारत का पहला भूमिगत या अंडरग्राउंड रेलवे। इसकी स्थापना हुई है 24 सितंबर 2010 को। भारत का सबसे फास्ट ट्रेन है, भारत का पहला सबसे पहला फास्ट ट्रेन चलाया गया 14 नवंबर 1988 को, शताब्दी एक्सप्रेस। माधवराव तत्कालिक रेल मंत्री माधवराव सिंधिया के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में चलाया गया है दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस 14 नवंबर 1988 को। यह भारत का पहला तेज रफ्तार ट्रेन। इसकी अधिकतम गति है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। यह चलाया गया था दिल्ली से झांसी तक। लेकिन भारत का वर्तमान भारत का सबसे तेज रफ्तार ट्रेन है जो चलाया गया 5 अप्रैल 2016 को, गतिमान एक्सप्रेस, वर्तमान भारत का सबसे तेज रफ्तार ट्रेन। इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सबसे पहले चलाया गया था दिल्ली से आगरा के बीच, लेकिन यह भी वर्तमान में चलाया जाता है दिल्ली से लेकर झांसी के बीच। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत में रेलवे का विकास। अब हम देखते हैं दोस्तों रेलवे सुरंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेलवे सुरंग देखिएगा, भारत का पहला रेलवे सुरंग है पारसिक रेलवे सुरंग ठाणे में। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, भारत का पहला रेलवे सुरंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का पहला रेलवे सुरंग पकड़ना है ठाणे, पारसिक रेलवे सुरंग। भारत का पहला रेलवे सुरंग है दोस्तों पारसिक रेलवे सुरंग ठाणे। इसकी स्थापना हुई है 1916 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का पहला रेलवे सुरंग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और भारत का पहला रेलवे सुरंग है पारसिक रेलवे सुरंग ठाणे।
पारसिक रेलवे सुरंग ठाणे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत का पहला रेलवे सुरंग यह है दोस्तों पारसिक रेलवे सुरंग ठाणे, जबकि भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसकी स्थापना हुई है 2013 में और इसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 11.215 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। यह है दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों रेलवे सुरंग, रेलवे सुरंग भारत का पहला रेलवे सुरंग है यह है दोस्तों ठाणे, ठाणे में स्थित है पारसिक रेलवे सुरंग, ठाणे में स्थित है दोस्तों पारसिक रेलवे सुरंग, पारसिक रेलवे सुरंग यह है भारत का पहला रेलवे सुरंग। इसकी स्थापना हुई है 1916 में, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1916 में। यह है भारत का पहला रेलवे सुरंग, यह दोस्तों भारत का पहला रेलवे सुरंग, भारत का पहला रेलवे सुरंग जिसकी स्थापना हुई है 1916 में, पारसिक रेलवे सुरंग जो स्थित है दोस्तों ठाणे में, महाराष्ट्र के ठाणे में, महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है भारत का पहला रेलवे सुरंग, पारसिक रेलवे सुरंग, इसकी स्थापना हुई 1916 में। यह पकड़ना है दोस्तों जम्मू से लेकर श्रीनगर के बीच में पड़ता है पर्वत पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में यह पकड़ना है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में यहां पर स्थित है दोस्तों पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों पीर पंजाल हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी, हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी, हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी के पीर पंजाल दर्रे में स्थित है दोस्तों पीर पंजाल रेलवे सुरंग, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये पकड़ना है हिमालय, हिमालय की पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, और पीर पंजाल श्रेणी में दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा, और पीर पंजाल दर्रे के अंदर पकड़ना है दोस्तों पीर पंजाल रेलवे सुरंग। इसकी स्थापना भी है 2013 में, इसकी स्थापना भी है दोस्तों 2013 में, और यह भारत का सबसे लंबा सुरंग है दोस्तों, यह भारत का यह दोस्तों सबसे लंबा सुरंग, यह भारत का सबसे लंबा सुरंग। इसकी कुल लंबाई है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 11.215 किलोमीटर, पीर पंजाल रेलवे सुरंग यह भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग। अब देखते हैं दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल भारत के चार रेलवे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल भारत के चार रेलवे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय चार भारतीय रेलवे, ध्यान दीजिएगा यूनेस्को की सूची में शामिल, सूची में शामिल यूनेस्को की सूची में शामिल चार भारतीय रेलवे, चार भारतीय रेलवे शामिल भारतीय रेलवे, और इनकी संख्या है दोस्तों चार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यूनेस्को की सूची में चार भारतीय रेलवे को शामिल किया गया है दोस्तों। पहला पकड़ना है यह है आपका हिमाचल प्रदेश में शिमला, यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शिमला, तो पहला है दोस्तों कालका शिमला रेलवे, 2008 में कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कालका शिमला रेलवे। दूसरा पकड़ना है दोस्तों ये आपका है दार्जिलिंग, ये आपका है दोस्तों दार्जिलिंग, ये आपका है दोस्तों दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दार्जिलिंग में पकड़ना है, यह है 1999 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन
रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में, और इसी के साथ यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय रेलवे है दोस्तों 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। यह आपका पकड़ना है मुंबई, यह है दोस्तों मुंबई। मुंबई में 2004 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को शामिल किया गया दोस्तों यूनेस्को की सूची में 2004 में। अर्थात भारत का पहला यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय रेलवे है 1999 दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरा है दोस्तों 2004 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और चौथा ऊटी का पकड़ना है दोस्तों, यह है दोस्तों ऊटी का है। नीलगिरी 2005 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 2005 में दोस्तों, नीलगिरी माउंटेन रेलवे नीलगिरी माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया दोस्तों 2005 में यूनेस्को की सूची में। तो इस प्रकार से चार भारतीय रेलवे को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पहला यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय रेलवे है दोस्तों 1999 दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, दूसरा है आपका 2004 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तीसरा है आपका 2005 नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और चौथा है दोस्तों 2008 कालका शिमला रेलवे। तो इस प्रकार से चार भारतीय रेलवे को आपके यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों रेलवे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दीजिएगा, अब हम डिस्कस करते हैं रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, देखिएगा यह आपका पकड़ना है। सबसे पहले दिल्ली, यह है दोस्तों नई दिल्ली, यह आपका पकड़ना है नई दिल्ली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। हम देखने जा रहे हैं रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने जा रहे हैं दोस्तों रेलवे से रिलेटेड। नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। यह पकड़ना है दोस्तों मथुरा, यह पकड़ना है आपका मथुरा, मथुरा भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है दोस्तों, यहां पर कुल 7 जंक्शन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मथुरा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मथुरा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, यह है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मथुरा रेलवे जंक्शन। इसमें कुल सात जंक्शन है और इसी के साथ यह है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है मथुरा रेलवे जंक्शन, जिसमें कुल 7 जंक्शन है। यह पकड़ना है दोस्तों गोरखपुर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यह भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, यह है गोरखपुर रेलवे स्टेशन यह भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। इसकी लंबाई है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी लंबाई है 1366.4 मीटर के साथ यह भारत का सबसे लंबा
रेलवे स्टेशन है। यह भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है दोस्तों, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन इसकी लंबाई है 1366.4 मीटर। ये भारत के साथ साथ दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। भारत व विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई है 1366.4 मीटर। ये भारत व विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। मथुरा, मथुरा रेलवे जंक्शन, ये 7 जंक्शन है दोस्तों यहां पर। ये भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, ये पकड़ना है बिहार में मुगल सराय। ये है दोस्तों बिहार में मुगल सराय, बिहार के मुगल सराय में स्थित है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। ये है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, ये है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। ध्यान दीजिएगा, मुगल सराय में स्थित है, ये है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है दोस्तों मुगल सराय में। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है दोस्तों मुंबई, और ये पकड़ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है मुंबई। ये आपका है दोस्तों मुंबई, मुंबई रेलवे स्टेशन से लेकर ये पकड़ना है दोस्तों ठाणे के बीच में। ये है एक पुल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है एक पुल दोस्तों, डापुरी वाया डक्ट, मुंबई से ठाणे के बीच में। ये है दोस्तों डापुरी, डापुरी वाया डक्ट, डापुरी वाया डक्ट, ये है भारत का पहला रेलवे पुल। ये है दोस्तों भारत का पहला रेलवे पुल, भारत का पहला रेलवे पुल। ये है दोस्तों भारत का पहला रेलवे पुल, भारत का पहला रेलवे पुल बनाया गया मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में, डापुरी वाया डक्ट, भारत का पहला रेलवे पुल। ये दोस्तों भारत का पहला रेलवे पुल, मुंबई से ठाणे के बीच, डापुरी वाया डक्ट, भारत का पहला रेलवे पुल। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, मथुरा है मथुरा रेलवे जंक्शन, जहां 7 जंक्शन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, और यहां पर गोरखपुर को पकड़ना है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन जिसकी लंबाई है 1366.4 मीटर, भारत व विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन। मुगल सराय, भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड। ये है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड या रेलवे यार्ड। ये है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड। इसके बाद पकड़ना है मुंबई से ठाणे के बीच है डापुरी वाया डक्ट, भारत का पहला रेलवे, ये आपका पकड़ना है। ये है दोस्तों नवापुर, ये है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है नवापुर। नवापुर एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा कंस्ट्रक्शन तेलंगाना में पड़ता है, और इस रेलवे स्टेशन का आधा कंस्ट्रक्शन आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अर्थात दो राज्यों के बीच स्थित रेलवे स्टेशन, दो राज्यों के बीच स्थित रेलवे स्टेशन है दोस्तों नवापुर रेलवे स्टेशन। नवापुर रेलवे स्टेशन, नवापुर रेलवे स्टेशन दो राज्यों के बीच स्थित रेलवे स्टेशन, दो राज्यों में विभाजित, दो राज्यों में विभाजित रेलवे स्टेशन, दो राज्यों में विभाजित रेलवे स्टेशन। एक है दोस्तों महाराष्ट्र और एक है तेलंगाना। महाराष्ट्र तेलंगाना में विभाजित रेलवे स्टेशन दोस्तों नवापुर रेलवे स्टेशन। तो ये हमने डिस्कस किया महत्वपूर्ण तथ्य, रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 1905 में स्थापित किया गया था दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड, तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया भारतीय रेलवे बोर्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, जिसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली। भारत का पहला रेल, भारत का रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड इसकी स्थापना की गई है, भारतीय रेलवे बोर्ड इसकी स्थापना की गई है 1905 में तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, नई
दिल्ली, ये दोस्तों नई दिल्ली। भारतीय रेलवे बोर्ड का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों नई दिल्ली में है भारतीय रेलवे बोर्ड। इसकी स्थापना हुई है 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है 1905 में। इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली। और इस समय भारत के वायसराय थे, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में 1905 में भारत भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। 1905 भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। नई दिल्ली भारत सरकार के अंतर्गत आता है दोस्तों रेलवे मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों भारत सरकार के अंतर्गत आता है रेलवे मंत्रालय। तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों रेल मंत्रालय से संबंधित मंत्रियों को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं भारत के प्रथम रेल मंत्री, भारत के प्रथम रेल मंत्री थे दोस्तों आसफ अली। इन्होंने कार्यभार संभाला था 2 सितंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 2 सितंबर 1946 को इन्होंने कार्यभार संभाला था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले रेल मंत्री है आसफ अली, इन्होंने 2 सितंबर 1940 को कार्यभार संभाला था। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे दोस्तों आपके जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे दोस्तों जॉन मथाई। 15 अगस्त 1947 से ही इन्होंने कार्यभार संभाला था। 15 अगस्त 1947 से भारत के प्रथम रेल मंत्री थे दोस्तों जॉन मथाई। इसके बाद पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री रहते साथ रेल मिनिस्टर भी थे, वो थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। अर्थात प्रधानमंत्री व रेल मंत्री का सम्मिलित कार्यभार ये देखा था दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री आपके लाल बहादुर शास्त्री। भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे दोस्तों जो प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ रेल मंत्री भी थे, लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद पकड़ते हैं वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री ये आपके हैं दोस्तों पीयूष गोयल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों पीयूष गोयल। जबकि वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है वी के यादव। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों नई दिल्ली मुख्यालय है भारतीय रेलवे बोर्ड का, जिसकी स्थापना हुई 1905 में। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। रेलवे मंत्रालय से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो भारत के प्रथम रेल मंत्री थे आसफ अली, इन्होंने कार्यभार संभाला था 2 सितंबर 1946 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई, 15 अगस्त 1947, ये है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, और इसी दिन से इन्होंने जॉन मथाई ने एज अ रेल मिनिस्टर कार्यभार संभाला था। प्रधानमंत्री व रेल मंत्री का सम्मिलित कार्यभार देखा है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। वर्तमान में भारतीय रेलवे रेल मिनिस्टर है पीयूष गोयल। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है वीके यादव।